चारों से मिली जितने भी यहाँ पर खड़े हैं। देखो भाई, अब देखो सुल्तान की स्कूटी के हिसाब से लगा लो आप कितनी हाइट होगी इसकी। लो बुल्स ही नाम है इसका, और भाई बहुत ही ज़्यादा फैटी हो रही है वो, मतलब भाई इसकी एक्सरसाइज नहीं कराते क्या। ये देखो भाई, ये है यार अलग चीज़। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी को नई टू वीडियो में। आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइस सुबह के 6 बजे हैं, और जैसे कि आपको पता है कि आज हम कहीं जाने वाले हैं, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी उठ गया, मतलब जल्दी नहीं बहुत जल्दी उठ गया। तो भाई मोट को इन्होंने उठाया मेरे को सुबह सुबह, मेरे बेड पर आ गई और मुझे मतलब उठाने लगी। देखो, और अब जो है ना टूथपेस्ट लेकर घूम रही है दोनों के दोनों। अभी मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे, अभी टूथपेस्ट मिल गया तो उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। देखो ज़रा ये दोनों को, इन्हें दोनों को कुछ ना कुछ चाहिए खेलने कूदने के लिए। सुबह सुबह इनको बिल्कुल भी चैन नहीं है भाई। देखो झाड़ू के पीछे पड़ रहे थे, अब डांट दिया तो फिर यहाँ का एक दूसरे से लड़ने लग गए। देखो भाई तुम परेशान क्यों कर रहे हो, ओए ओ मोटो कालू जाओ भाई। भाई ये कभी भी नहीं सुधरने वाले, ये कभी भी नहीं सुधरना जीवन में, कभी भी नहीं। तो गाइस यार हमने को जल्दी निकलना था, लेकिन जल्दी के चक्कर में लेट हो गए, 7 बजने वाले हैं यार, और अभी तक मेरा भाई छोटा उठा नहीं है बिल्कुल भी। देख लो यार कितने आलसी हैं ये लोग, और एक इन दोनों ने परेशान करके फेंक रखा पूरे घर में, मतलब मैं ये आगे आगे मैं पीछे पीछे। अब भी देख लो कागज़ के साथ खेल रहे हैं, कागज़ भी खा जाते हैं। और इसे जारा मैडम को उठा रहा था, इतनी देर से उठने का नाम नहीं ले रही, इसे घुमा देता हूँ फिर पता नहीं हम कब आए। लो जारा आती पंखे के नीचे आ गई, और इसके पास पहले कालू आया, अब डोरू भी आ गई। डोरू देख लो दूध पीने के लिए आ गई, डोरू परेशान करती रह यार इसे बिल्कुल, मेरी जारा को सुखा रखा इन दोनों ने भाई। ए डोरू हट जा, जारा को देखो भाई इसका बैठने का अलग ही एटीट्यूड है, मतलब बिल्कुल तमीज में बैठती है अगर बैठती है तो। और भाई जो सामने वाले को देखती है ना भाई साहब गजब एकदम, सामने वाला मतलब कुछ नहीं करती वो, इसकी घूरने घूरने में डर जाता है। ओए मैगी भाई, पहली फीमेल से तो मिलने आ गए, अभी अभी इसके पास आए हैं। ओए 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 ओए, काटे तो नहीं ब्रांड ले, पूरी से पकड़ लो भाई, कभी कूद ना उसे नहीं कूद जाएगी। अरे अरे भाई गजब है एकदम भाई, देख लो सारों से मिलनी जितने भी यहाँ पर खड़े हैं। देखो वाइट वाला भी दिखाइए भाई, मैगी का देख लो, हमारे पास से जाने का मन ही नहीं कर रहा, चल जा जा। अभी भाई भाई जर्मन शेफर्ड का स्टड लाने लग रहे हैं अंदर से, देखो वो कितनी तगड़ा है। मैगी का देखो एकदम बिल्कुल यही आया भाई, इसकी क्वालिटी देखो भाई साहब गजब है एकदम भाई। ये जो है ना मीटिंग वेटिंग करता है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा एग्रेसिव है, मतलब इसे लगता है कि कोई मीटिंग वेटिंग आई है, इस वजह से थोड़ा मतलब समझ सकते हो आप। देख लो भाई साहब है क्या नहीं क्वालिटी भाई, मुझे नहीं पता था अपने मेरठ के अंदर इतनी टॉप टॉप क्वालिटी है जर्मन शेफर्ड के अंदर। देख लो भाई ये जो है ना, मतलब ये कि बोल रहे हैं कि मतलब पॉकेट से भी छोटे साइज में जाएगा भाई, रुक ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा शैतान है। ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं लोग बाग अमेरिकन पूरी लेजी हो गए, इसे देख लो भाई, देखने के बाद लग ही नहीं रहा कि लेजी है। ओए जरा क्या मैक्स भाई साहब, कितने महीने का भैया अभी भाई? 3 महीने का, 3 महीने के हिसाब से देख लो क्वालिटी कैसी है भाई। देख लो मैक्स का तो मन है हमारे घर जाने का भाई। देख लो एक ये फीमेल और आ गई, और ये देखो ये जो अभी मेल दिखाया था ना आपको, ये उसकी बहन है, ये जो छोटी वाली है ये उससे भी छोटी है। A few minutes later. तो आ गया गाइस हमारे सामने जिसका इंतजार था सुल्तान। देख लो भाई तुम्हें मतलब बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर है, तुम्हें जो है इसकी हाइट थोड़ी बड़ी सी लग रही होगी, पर देखने में अलग ही चीज़ है भाई। कितनी एज है इसकी भाई साहब? उसके हिसाब से अभी देखो खाट के हिसाब से देख लो, छोटी खाट है, कितना तगड़ा लग रहा भाई। अब देखो सुल्तान की स्कूटी के हिसाब से लगा लो आप कितनी हाइट होगी इसकी, देख लो। ओए सुल्तान देख इधर भाई साहब, एकदम बिल्कुल प्रॉपर लो पॉकेट साइज है, प्रॉपर एकदम, जैसे बोलते हैं ना लोग माइक्रो वाइक्रो, माइक्रो से थोड़ा बहुत ऊंचा ही होगा भाई। भाई भाई साहब ये जो है ना, ये बच्चा जो है ये इन भाई की होम ब्रीडिंग का है, अभी जो है ना इसकी माँ भी दिखाएंगे, उसको भी ला रहे हैं अंदर से, मतलब एक एक करके ला रहे हैं ये अंदर जो है ना, अंदर रहते हैं अभी, बाहर गर्मी वगैरह हो रही है तो इस वजह से एक एक करके लेकर आ रहे हैं भाई। माँ दिखाने जा रहा है इसकी, इसे छोड़िए आओ अंदर। देख लो भाई मदर भी आने वाली है सुल्तान की भाई, ये देखो अरे सुल्तान भी आ रहा है इसके गैल गैल। देखो ये सुल्तान तो डबल टिबल है अरे भाई गजब एकदम
भाई से देख लो, बुलसी नाम है इसका, और भाई बहुत ही ज़्यादा फैटी हो रही है वो, मतलब भाई इसकी एक्सरसाइज नहीं कराते क्या? देख लो भाई यहाँ पर तो ये बंद बंद रहती है, मतलब कमी इसकी वॉकिंग होती है, मेरे पास होती है ना तो इसे इतना भगाता पूरी मुस्कुलर कर देता भाई, जैसे सुल्तान है एकदम। ओए बुलसी भाई जैसा, मतलब सुल्तान जो है ना थोड़ा बहुत ही छोटा है बस, देखो ऐसे लग रहा है जैसे कंसीव हो और बच्चे देने वाली हो एक दो 15-20 दिन बाद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सब खिलाई पिलाई का सर है भाई। सुल्तान को देख लो ऊपर से कैसे कर रहा है, इसको देख रहा अपनी माँ को, भाई कोई कह नहीं सकता इसकी माँ है वो, लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी। देखो ये तो छत पर कूदने को तैयार है, देखियो। तो भाई इसे ले जान लग रहे, अब एक और लान लग रहे, मतलब वो ब्रीड जो है ना बिल्कुल अलग है, फ्रेंच बुलडॉग। सुल्तान भी गया अंदर और उसकी माँ भी गई अंदर, उसकी माँ का नाम पता नहीं क्या नाम है, अच्छा बुलसी भी गई अंदर। अब भाई एक और अपनी एक और फीमेल लेकर आने लग रहे फ्रेंच बुलडॉग की, भाई अब उसे देखते हैं, मतलब मैं अपने चैनल पर पहली बार फ्रेंच बुलडॉग की फीमेल दिखाऊंगा, फीमेल या मेल। फिर ये देखो भाई, ये है यार अलग चीज़। तो पहुंच गया भाई घर पर मतलब घर पर आने की वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि फ़ोन डेड था, तो मुझे घर पर आए हुए 15-20 मिनट हो गए, लेकिन घर पर पहुंचते ही साथ में मम्मी ने ड्यूटी लगा दी कि जा डोरा को घुमा कर ला पहले। तो भाई आए तो थे हम घूमने बाहर, लेकिन बच्चों ने परेशान कर दिया डोरा को, और ये देख लो कितनी हाँपने लगी घर से बाहर आते के साथ में, देखो और नन्नू उसके पीछे चल रहा, और सब पकड़ जरा उसके पीछे जा रही है, वो बहुत कटकना कुत्ता है, आ जाओ जरा डोरे। तो गाइस डोरा का खाना रेडी हो चुका है, आज हम डोरा को देंगे फीड और थोड़ी सी दही, और इसके अंदर एक आ गया लो भाई डोरू, देखो डोरू कैसे रेडी है, और इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना मतलब खाना जो है ना इसे मेरे छोटे भाई ने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, तो इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना कालू को भी देंगे। ले भाई कालू पहले तू खा ले, ओए पहले कालू खा दे थोड़ा सा, तो पहले थोड़ा सा कालू खा देते हैं, डोरू को बाद में छोड़ूंगा, देखो कितनी बेताब है भाई, देख लो रुक नहीं रही बिल्कुल भी रुक नहीं रही, मतलब कालू को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती इसके डोंगे में, खाना कैसे खा रहा है वो, देखो अभी देखो इसको मंकी सी कुदरी मंकी की तरह, ओए रुक जा डोरू रुक जा चल जा, अब देखो अब खाएगी एकदम फटक देनी से दोनों के दोनों, देख लो भाई डोरू की स्पीड 30 सेकंड के अंदर सब कुछ फिनिश कर दिया इन्हें, इतना बड़ा डोंगा भरा हुआ, और रुक जा पहले ऐसा खाने दे बेटा, कालू को भी खाने दे, कालू को अब मुझे अलग से देना पड़ेगा। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, मतलब उसको नोट कर लेना, अगर आपके पास एक छोटा पप्पी है 60-70-80-90 दिन का, तो कभी भी जो है ना उसको पेट भर के खाना मत दो, बस ये उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, अगर आपको देना है तो उसको 4 या 5 बार दे लो, लेकिन थोड़ा पेट भर के मत दो बस। तो गाइस इसीलिए जो है ना मैं भी अपने कालू को और डोरो को पेट दोनों को पेट भर के खाना नहीं देता। तो गाइस ज़ारा का खाना भी रखते हैं, ले भाई ज़ारा पीजा, देखो ये दोनों आ गए, पर इन्हें ज़ारा बख्शेगी नहीं बिल्कुल भी, खा ले ज़ारा तो आराम से, ओ कालू मत जा उसके पास मत जा, अरे मत जा यार उसे परेशान कर रहा है, मत जा उसके पास, चल हट जा हट जा इधर हो इधर हो। तो इसी के साथ गाइज आज की वीडियो करते हैं ब्रांड, आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ गाइज अगर तो गाइज जो भी मैंने आज आपको डॉग दिखाए, मतलब आपको उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, उनकी डाइट के बारे में या कुछ भी, आपके पास पप्पी है आपको कुछ भी उनके बारे में पूछना हो, उन भाई से पूछ लेना, मैंने उनका इंस्टाग्राम का अकाउंट का मतलब लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप बेफिक्र होकर मैसेज कर सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं भाई। तो गाइज मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हैप्पी एंड आप सभी को मेरा राम राम।